जय हो। हम सुन रहे हैं श्रीपाल कुमार का जीवन चरित्र, जिसमें हम समझ रहे हैं कि पुण्यवान को रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी सहज ही प्राप्त होती जाती है। जिस इंसान के भीतर गुण दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, जो सबके गुणों को देखता है और सबके प्रति धन्यवाद के भावों में, कृतज्ञता के भावों में रहता है, उसका पुण्य ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाता है। और पुण्यवान पुरुष को जीवन में कोई दुख तकलीफ कष्ट विपत्ति नहीं सताती है। अगर पहले के पाप के उदय वश कोई तकलीफ आ भी जाए, कोई विपत्ति आ भी जाए, तो तुरंत पुण्य का प्रभाव ऐसा उदित होता है कि उसका वह पाप का प्रभाव क्षय हो जाता है। एक तकलीफ अगर आ भी गई तो तुरंत उसका निवारण करने के लिए कोई दूसरी सहायता उपलब्ध हो जाती है। जो व्यक्ति हमेशा सबको धन्यवाद देता है, सबके सहयोग को फील करता है और सबके प्रति कृतज्ञ रहता है, उस व्यक्ति को जीवन में कभी किसी प्रकार के अभाव को सहन नहीं करना पड़ता है। इसका उत्कृष्ट उदाहरण है श्रीपाल कुमार का जीवन चरित्र। श्रीपाल कुमार के पुण्य प्रभाव से, उनकी साधना के प्रभाव से, नवपद के स्मरण के प्रभाव से विमलेश्वर देव ने उनको एक ऐसा हार दिया कि जिससे वे मन चाहा रूप बना सकते हैं, जिससे वे चाहे जहां वहां एक पल में जा सकते हैं। और इस हार के प्रभाव से बिना प्रयास के ही उन्हें कोई भी विद्या आ जाती है, विद्या सिद्ध हो जाती है। और चौथा उस हार का ऐसा अनुपम प्रभाव कि चाहे जिस किसी जंतु का जीव का विष हो, उस विष का हरण हो जाता है। इस तरह से अद्भुत विशेषताओं से युक्त वह हार श्रीपाल कुमार को मिला और तब वे पहुंचे वीणा वादन में कुशल राजकुमारी के पास में। वहां पर उन्होंने उसे परास्त किया और तब राजकुमारी ने उनके गले में वरमाला डाल दी। अब श्रीपाल कुमार वहां सुख से रह रहे थे अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ में कि तभी एक दिन उन्होंने सुना कि यहां से 300 योजन दूर एक कंचनपुरी नगरी है, जहां राजा वज्र सिंह का राज्य है। उनकी एक पुत्री है जिसका नाम है तिलोक सुंदरी, और उसका नाम इसीलिए रखा तिलोक सुंदरी क्योंकि वह सचमुच 3 लोकों में सबसे सुंदर है। ऐसा लगता है मानो विधाता ने उसकी रचना कुछ अलग ही प्रकार के पुद्गल समूह से की हो। इतनी अनुपम रूप सौंदर्य की धनी वह तिलोक सुंदरी है कि लोग उसको देखते देखते थकते नहीं हैं। सबकी आंखों को ऐसा लगता है मानो उसका वह रूप हमेशा उसकी आंखों के सामने ही रहे। ऐसा अद्भुत सुंदर रूप लावण्य उस त्रिलोक सुंदरी का है। ऐसी त्रिलोक सुंदरी कन्या जिस राजा के हो, वह राजा चिंता तो करेगा ही जब पुत्री विवाह योग्य हो जाएगी। तो राजा वज्रसेन ने सोचा कि मेरी ऐसी रूप और गुण से युक्त तिलोक सुंदरी पुत्री का विवाह किस पुरुष के साथ में होगा, कौन मेरा जवाई बनेगा। इसलिए अच्छा हो कि मैं एक स्वयंवर का आयोजन करूं। जो राजा स्वयं को तिलोक सुंदरी के लिए योग्य समझेंगे, वे अपने आप ही स्वयंवर में हिस्सा लेने आ जाएंगे, क्योंकि तिलोक सुंदरी की नियति कहाँ उसे ले जाती है, तिलोक सुंदरी का भाग्य किसके साथ में जुड़ा है, यह मैं कैसे निश्चित कर सकता हूँ। इसीलिए राजा ने स्वयंवर का आयोजन रखा है और स्वयंवर की तिथि बहुत ही नजदीक आ चुकी है। जैसे ही यह खबर श्रीपाल कुमार ने सुनी, श्रीपाल कुमार तुरंत उस हार के प्रभाव से कंचनपुरी नगरी में आ जाते हैं और वहां पर सभा के अंदर जो स्वयंवर का मंडप रचा जा चुका है, उस सभा मंडप के अंदर बहुत सारे राजकुमार आए हुए हैं। बहुत एक से बढ़कर एक सुंदर, शौर्यवान, प्रबल, पराक्रमी, तेजस्वी अनेकों राजकुमार तिलोक सुंदरी से विवाह करने को उत्सुक है। श्रीपाल कुमार यहाँ पर भी कुबड़े का रूप धारण कर लेते हैं और कुबड़े के वेश में जब वे सभा मंडप में प्रवेश करते हैं और राजकुमारों के पास में आकर के बैठते हैं, तो राजकुमार उनसे पूछते हैं, ओ कुबड़े,
पांडे जी कि आप यहाँ पर किस कारण से पधारे हैं। तब श्रीपाल कुंवर उनसे कहते हैं, जिस कारण से तुम यहाँ आए मैं भी उसी कारण से यहाँ पर आया हूँ। यह सुनते ही सारे राजकुमार जोर जोर से हंसने लगते हैं। सब उस कुबड़े रूप वाले श्रीपाल कुंवर की हंसी उड़ाते हैं और कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात कही तुमने, सचमुच तिलोक सुंदरी तो तुम्हारे ही गले में वर माला डालने वाली है। तुम इतने सुंदर क्यों हो, दुनिया के सबसे सुंदर पुरुष तो तुम ही हो, तिलोक सुंदरी तुम्हारे साथ ही विवाह करेगी। चाहे कोई कितनी ही खिल्ली उड़ाए, श्रीपाल कुंवर अपने मन में जानते हैं कि सचमुच ये लोग जो बात कह रहे हैं वही सत्य होकर के रहेगी। अब जैसे ही समय हुआ, तिलोक सुंदरी हाथ में वरमाला लेकर के स्वयंवर सभा मंडप के अंदर प्रवेश करती है। उसकी देह इतनी कांतिवान है कि वहां उपस्थित सारी सभा उसे देखकर दंग रह जाती है। सचमुच जैसा आज तक तिलोक सुंदरी के लिए सुना था कि विधाता ने तिलोक सुंदरी जैसी सुंदर कन्या और कोई दूसरी बनाई ही नहीं है, सत्य में यही बात प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। सारे राजकुमार उसे देख करके मन ही मन उतावले हो रहे हैं कि बस ये तिलोक सुंदरी हमारे गले में वरमाला डाल दे। राजकुमारी सारे ही राजकुमारों पर एक दृष्टि डालती है, लेकिन जैसे ही वह कुबड़े वेशधारी श्रीपाल कुंवर को देखती है, श्रीपाल कुंवर अपने विद्या के प्रभाव से उसे अपना वास्तविक रूप दिखाते हैं। बाकी सारे लोग उसको कुबड़ा देख पा रहे हैं, लेकिन तिलोक सुंदरी के सामने उनका असली रूप प्रकट हुआ है। और उन्हें देखते ही पता नहीं क्यों तिलोक सुंदरी के मन से एक आवाज आती है कि यह पुरुष मेरा पति होना चाहिए। अब तिलोक सुंदरी का अंतःकरण जो स्वर पुकार रहा है उसी के अनुसार उसने किया। सारे राजकुमारों का परिचय सुना, लेकिन किसी के गले में उसने वरमाला नहीं डाली। अंत में श्रीपाल कुंवर के पास आकर के जो उसके भीतर की आवाज थी कि इस व्यक्ति के साथ मेरा विवाह हो जाए, मैं इस व्यक्ति को अपने पति के रूप में चयन कर लेती हूँ, इसी आवाज के अनुरूप तिलोक सुंदरी ने श्रीपाल कुंवर के गले में वरमाला डाल दी। उसे तो वे वास्तविक रूप में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाकी सारे लोगों के लिए श्रीपाल कुंवर कुबड़े हैं। अब जैसे ही तिलोक सुंदरी ने श्रीपाल के गले में वरमाला डाली, सारे ही राजकुमार अपने शस्त्र हथियार उठा करके खड़े हो गए और बोले, कहा तो कौवा जैसा और हम सारे राजकुमार हंस के समान है। हम हंसों की सभा में पहले तो तू कौवा आया ही कैसे, और आ भी गया तो तेरा इतना दुस्साहस कि तिलोक सुंदरी के साथ में तू विवाह करने को राजी हुआ और तिलोक सुंदरी ने तेरे गले में माला कैसे डाल दी। अब सारे ही राजकुमार श्रीपाल पर दबाव डालते हैं कि अपने गले से ये वरमाला तुरंत निकाल दो। काहे नृप हमें हंस का दे तू छोड़े कंठ से माला, नहीं तो तेज से कंठ ये तेरा जुदा हो ये तत्काल हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्ठी नव पद प्रेम से। श्रीपाल कुंवर जिनकी हर सांस में नव पद का ध्यान समाया हुआ है, वे उन सारे राजकुमारों की बात सुनकर भी क्रोधित नहीं होते हैं। उनके मन में किसी के लिए गुस्सा नहीं आता है। वे समझ रहे हैं राजकुमारों के मन की दशा। सारे ही राजकुमार अपने आप को योग्य समझ रहे थे तिलोक सुंदरी से विवाह करने के लिए, लेकिन तिलोक सुंदरी ने तो सबको छोड़ करके उस कुबड़े के गले में माला डाल दी है, तो सबका क्रोधित होना तो स्वाभाविक ही है। तब श्रीपाल कुंवर उनसे कहते हैं कि तुम मुझ पर जबरदस्ती दबाव डालते हो, लेकिन पहले तुम ये तो देखो कि जब तिलोक सुंदरी ने मेरे गले में माला डाल दी है, इसका मतलब उसने मुझे पति के रूप में वरण कर लिया है। अब तिलोक सुंदरी तुम्हारे लिए पराई नारी है। अब तुम पर नारी की इच्छा मत रखो, क्योंकि पर स्त्री की इच्छा रखना पाप है, और अगर तुम्हें यही मंजूर है
तो आ जाओ युद्ध क्षेत्र में, दो दो हाथ कर लेते हैं। वे भी अपने अस्त्र शस्त्र उठाते हैं और उन सब राजकुमारों से एक साथ युद्ध करते हैं और सारे ही राजकुमारों को वे उसी समय पछाड़ देते हैं। यह देखकर कि तिलोक सुंदरी के पिता राजा वज्र से अत्यंत प्रभावित हो जाते हैं और वे सोचते हैं कि यह कुबड़े के रूप में भले ही है, लेकिन यह निश्चित ही कोई महापुरुष है, असाधारण व्यक्ति है, क्योंकि ऐसा असाधारण पराक्रम तो किसी वीर पुरुष का ही हो सकता है, ये वीर पुरुष ही है। और तब श्रीपाल कुंवर ने अपना असली रूप प्रकट किया और वज्रसेन राजा बहुत प्रसन्न हुए। अब वज्रसेन राजा ने उनको, अपने जमाता श्रीपाल कुंवर को और अपनी पुत्री तिलोक सुंदरी को वहीं पर रहने के लिए एक अलग आवास दे दिया है। लेकिन श्रीपाल कुंवर को कुछ दिन हुए वहां रहते और फिर से उनके कान में एक बात सुनाई दी। सभा में जब वे बैठे थे तो एक व्यक्ति आया और उसने बताया, यहाँ से कुछ दूरी पर दलपत नाम का नगर है जहाँ के राजा धरापाल है। उन धरापाल राजा के 5 पुत्र हैं और उन 5 पुत्रों के बाद में एक कन्या संतान ने जन्म लिया है जिसका नाम है श्रृंगार सुंदरी। वह श्रृंगार सुंदरी जैन धर्म को मानने वाली है। इतना ही नहीं, उस श्रृंगार सुंदरी के 5 अत्यंत ही प्रिय सखियां हैं जिनका नाम है पंडिता, विचक्षणा, प्रगुणा, निपुणा और दक्षा। ये 5 सहेलियां श्रृंगार सुंदरी की है। ये 5 भी श्रृंगार सुंदरी की ही तरह जिन धर्म की उपासिका है और 5 ही बहुत बुद्धिमान है। राजकुमारी समेत उन 5 ही सहेलियों ने मन में यह निश्चय किया है कि अगर हमारा विवाह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में हो जाता है जो हमारी तरह का आचार विचार नहीं रखता है, जिसके जिन धर्म के प्रति आस्था नहीं है, तो यह हमारी जोड़ी बेमेल जोड़ी कहलाएगी। इसीलिए हम प्रतिज्ञा करती हैं कि हम उसी व्यक्ति के साथ में विवाह करेंगी जो हमारे जैसी ही समान विचारधारा वाला होगा। यह सोच करके उन्होंने घोषणा करवा दी है कि वे ऐसी पहेलियां पूछेंगी कि जिन पहेलियों का जो व्यक्ति समाधान कर देगा उसी के साथ उनका विवाह होगा। ये बहुत ही अद्भुत बात है कि कन्याएं पहेलियां पूछ करके अपने पति का वरण करने वाली है। जैसे ही यह बात श्रीपाल कुंवर ने सुनी, उन्होंने सोचा, मुझे भी वहां जाकर के देखना चाहिए। अब वे तुरंत ही पहुंच गए दलपत नगर में। दलपत नगर में पहुंचे जहां पर उसी दिन सभा का आयोजन था और अनेकों राजकुमार आए हुए थे। सभी उनके द्वारा दी गई समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं। सब अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन श्रृंगार सुंदरी तो दूर की बात, श्रृंगार सुंदरी की सहेलियों की जो पहेलियां हैं उन्हें भी कोई भी हल नहीं कर पाया। वे एक दोहे की आधी पंक्ति बोलती है और उन्हें कहती है कि अब आप इस दोहे को पूरा कर दो। उसका सिर्फ एक पद उन्होंने बोला है जो कि एक पहेली की तरह है। अब उस पहेली को हल करो और हम उस पहेली से संतुष्ट हो जाएंगे तो ही हम आपके साथ में विवाह करेंगे। बहुत सारे राजकुमार जो स्वयं को बुद्धिमान समझते थे आए, लेकिन निराश हुए। तब श्रीपाल कुंवर भी वहां पर पहुंचे और उनके समक्ष भी सबसे पहली जो श्रृंगार सुंदरी की सखी है उसने अपनी पहेली सुनाई। पंडिता ने सबसे पहले जो पहेली पेश करी वह थी, मन वांछित फल होई। यह एक पद है समस्या का, मन वांछित फल होई। अब इसे कैसे पूर्ण करना, किसका मन वांछित फल होगा, यह सामने आए राजकुमार की बुद्धि की परीक्षा थी। तब श्रीपाल कुंवर ने उस पहेली को इस तरह से पूर्ण किया। श्रीपाल कुंवर ने कहा, अरिहंता दिक नव पद मन वच समरेगा जो कोई, उस पुण्यवान पुरुष के प्रत्यक्ष मन वांछित फल होई। हो श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्ठी नव पद प्रेम से।
जैसे ही पंडिता ने कहा मन वांछित फल होए। अब चूंकि श्रीपाल कुंवर भी उसी की तरह जिन धर्म के उपासक है नौ पद के साधक हैं, तो उन्होंने तुरंत उस पहेली को इस तरह से पूर्ण किया कि अरहंत आदि के नौ पद मन वच समरेगा जो कोई, जो भी व्यक्ति अरहंत इत्यादि नौ पद का स्मरण करेगा उस व्यक्ति के प्रत्यक्ष ही मन वांछित फल हो जाएगा, क्योंकि श्रीपाल का तो पूरा जीवन ही नौपद स्मरण का प्रत्यक्ष प्रभाव है। उसने अपने जीवन में नौपद के ध्यान का ऐसा ऐसा प्रभाव देखा है, इसीलिए वह कहता है कि जो भी व्यक्ति इन नौपद को ध्यान करेगा उसके जीवन में उसके मन में इच्छित जो भी होगा मन वांछित फल उसको तुरंत मिल जाएगा। अब पंडिता की समस्या उन्होंने पूर्ण करी है। तब दूसरी सखी जिसका नाम है विचक्षणा, वह कहती है और न देखो कोई। अब यह पहेली का एक पद है, इस पहेली को पूर्ण करना है। उत्तर आया श्रीपाल कुंवर की तरफ से, अरहंत देव सुसाधु सतगुरु धर्म दयामय होए, जपो मंत्र नमकार सदा तुम और न देखो कोई। श्रीपाल कुंवर ने यहाँ पर भी इस समस्या को भी इसी तरह से सॉल्व किया कि अरहंत इत्यादि जो पंच परमिष्ठी पद है और जो दयामय धर्म है, इस तरह से नौकार मंत्र को अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में अपना ले तो उसे फिर और किसी दूसरे तंत्र मंत्र यंत्र की जीवन में आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। अगर उसके जीवन में नमोकार आ जाए, नमन का भाव आ जाए, तो फिर उसे और किसी दूसरे सिद्धि की आवश्यकता ही नहीं है। यह समस्या भी पूर्ण हुई, समाधान मिला। अब तीसरी सखी प्रभुणा कहती है, कर सफलो अपान, अपनी आप को सफल कर लो। अब इस समस्या को श्रीपाल कुंवर कैसे हल करते हैं, तो श्रीपाल कुंवर कहते हैं, देव गुरु आराधन कीजे दीज सुपात्र दान, तब संयम उपकार करे पर कर सफलो अपान। कैसे सफल करो अपने जीवन को, क्योंकि यह जीवन अत्यंत ही पुण्य के उदय से मिलता है। मनुष्य जन्म हर किसी को नहीं मिलता है। सारे ही वेद पुराण शास्त्र सब कहते हैं कि मानव का भव मिलना अत्यंत दुर्लभ बात है। फिर इस मानव जीवन को कैसे सफल किया जा सकता है, तो श्रीपाल कुंवर कहते हैं कि देव गुरु धर्म की आराधना करो और सुपात्र दान को, तब संयम उपकार करो और इस तरह से अपने जीवन को सफल कर लो। यह समस्या भी पूर्ण हुई, समाधान मिला। और तब चौथी समस्या आती है निपुणा की तरफ से, जो कहती है जितना लिखा ललाट, यानी कि जितना जिसके ललाट पर लिखा है, जितना जिसकी किस्मत में है, जितना जिसके भाग्य में है। तब श्रीपाल कुंवर उस पद को इस तरह से पूरित करते हैं, वे कहते हैं, रे मन चिंता जाल बीच आत्म को मत पाड़, चाहे यतन कर मिलेगा उतना जितना लिखा ललाट। चाहे कोई व्यक्ति कितना ही यतन कर ले, लेकिन जितना उसके भाग्य में उसने लिख रखा है, जितना अपने भावों के अनुसार उसने अपनी सृष्टि की रचना की है, जितना उसने अपनी तकदीर को बनाया है, उतना ही एक व्यक्ति फल पा सकता है। अब चाहे वो कितनी भी चिंता कर ले कि मेरा काम पूरा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लेकिन अगर उसके मन में सद्भावना ही नहीं है, उसने ऐसे अच्छे पुण्य कर्म अर्जित ही नहीं किए हैं, तो उसका कार्य सफल हो कैसे सकता है। इसीलिए कहा कि व्यक्ति अपनी किस्मत खुद रचता है, अपने भाग्य को बनाने वाले हम स्वयं ही हैं। तो उस अपने भाग्य को जो व्यक्ति सुंदर बनाएगा, जितना उसने अपनी किस्मत को रचा है, उतना ही तो एक व्यक्ति पाएगा, उससे ज्यादा और भला कहाँ से पाएगा। ये समस्या भी पूर्ण हुई। और तब अंतिम सखी की एक समस्या है जिसका नाम है दक्षा। वह कहती है, तस सब जग जन दास, तस सब जग जन दास, यानी कि उसके सारे ही जन दास हो जाते हैं। अब किसके सारे जन दास हो जाते हैं, तो श्रीपाल कंवर ने इस तरह से पाद पूर्ति की। उन्होंने कहा, जिसने पूर्व पुण्य कमाया प्रभु फरमावे खास, उस नर के बल बुद्धि लक्ष्मी
तस सब जग जन दास हो श्री पाल नरेश्वर समरो परमेष्टी नव पद प्रेम से। श्री पाल कहते हैं जिसने पहले पुण्य कमाया है उस व्यक्ति के बल बुद्धि और लक्ष्मी सारे ही उसके दास हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस जगत में पुण्यवान है वही व्यक्ति इस दुनिया के ऊपर राज करता है। उसी व्यक्ति का सिक्का चलता है जिसके पुण्यों का उदय है और पुण्य कर्म उदय में आए उसके लिए उन्हें पहले उपार्जित करना पड़ेगा। और पुण्य उपार्जित कैसे होते हैं तो एकमात्र मार्ग है सद्भावना से। सद्भावना से ही एक व्यक्ति अपने पुण्य कर्म को संचित कर सकता है। पांचों सखियों की समस्याएं उत्तरित हो चुकी है, अब बारी आई राजकुमारी श्रृंगार सुंदरी की। श्रृंगार सुंदरी ने भी इसी तरह से एक पद रखा श्रीपाल कुंवर के सामने जो कहता था रवि पहले उगल। रवि कहते हैं सूर्य को और सूर्य से पहले जो उग जाए। अब सूर्य से पहले कौन उगता है यह समस्या है जिसे श्रीपाल कुंवर को पूर्ण करना है। तो श्रीपाल कुंवर कहते हैं जीवित जगमा यश नहीं लीनो यश बिन क्या जीवंत जो नर यश ले आत्म या सरे रवि पहले उगंत। श्रीपाल कंवर अपनी मति से इस समस्या को इस तरह से सॉल्व करते हैं। वे कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने इस दुनिया के अंदर आकर के यश नहीं कमाया, जिसने ऐसे सत्कर्म नहीं किए कि जिनसे एक व्यक्ति का यश हो। और एक व्यक्ति का नाम कब होता है जब वह सबकी भलाई करता है, जब वह सबके प्रति अच्छे वचन कहता है और उससे भी बड़ी बात जब उसके दिल में सबके प्रति सद्भावना रहती है। सद्भाव सद्विचार सद्वचन और सत्कर्म इन्हीं के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन में यश प्राप्त करता है। और जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में यश प्राप्त नहीं किया उस व्यक्ति ने कुछ भी नहीं पाया, लेकिन जिस व्यक्ति ने यश पाया है उस व्यक्ति का नाम सूर्य के उगने से पहले भी लोग याद करते हैं। हम लोग भी हमेशा महापुरुषों का स्मरण सूर्योदय से भी पहले करते हैं। जैसे ही नींद से जाग आती है सबसे पहले हम महापुरुषों का ध्यान करते हैं, क्योंकि उनका यश आज भी जीवित है। 24 तीर्थंकर हुए, अनंत चौबीसियां हुई और हम उन सब महापुरुषों को सूर्योदय से भी पहले नमन करते हैं, उनका यश आज भी जीवित है। तो इस तरह से श्रीपाल कुंवर ने उन सब सहेलियों की समस्या पूर्ण कर दी, उन सब के प्रश्नों को समाधान मिला, सबके प्रश्न उत्तरित हुए। और तब सबने श्रृंगार सुंदरी के पिता राजा से कहा कि हम सब संतुष्ट हुए इन राजकुमार के उत्तर को सुनकर। तब राजा धरापाल ने अपनी पुत्री श्रृंगार सुंदरी की और उसके साथ उसकी पांचों ही सखियों का विवाह श्रीपाल कुंवर के साथ में करवा दिया। अब श्रीपाल कुंवर वहां पर एक नहीं बल्कि एक के साथ पांच और इस तरह से 6 स्त्रियों के पति बन चुके हैं। और उसी नगर में रहते रहते श्रीपाल कुंवर को एक ब्राह्मण ने देखा जिनका नाम था अंग भट्ट। वो कई दिनों से उसी नगर में आए हुए थे, वहीं पर निवास कर रहे थे। और जब उन्होंने श्रीपाल कुंवर के व्यवहार को देखा, श्रीपाल कुंवर की बुद्धिमत्ता को देखा, श्रीपाल कुंवर के पराक्रम को देखा, श्रीपाल कुंवर के तेज ओज हर तरह से वे बहुत ही प्रभावित हो गए। और तब उन्होंने श्रीपाल से एक दिन भेंट करके कहा यहाँ से थोड़ा दूर एक कोलापुर नगर है जिनके राजा पुरंदर हैं। उन पुरंदर राजा के विजया सुंदरी रानी हैं और उनके एक कन्या है। वह कन्या धनुर्विद्या में बहुत ही निपुण है। वैसे तो राजकुमारियां कला इत्यादि की जानकार होती है, लेकिन उस राजकन्या ने धनुर्विद्या में इतनी महारत हासिल की है कि अब वह कन्या कहती है कि जो व्यक्ति मेरे ही समान धनुर्विद्या में कुशल होगा उसी व्यक्ति के साथ में मैं विवाह करूंगी, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने जैसा ही तो वर चाहिए अथवा वधु चाहिए। हर व्यक्ति सोचता है कि जैसे गुण मुझमें हैं वैसे ही गुण वाला व्यक्ति अगर मुझे पार्टनर के रूप में मिल जाए तो मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा। तो वह
राजकन्या भी अपने जैसा ही कोई कुशल धनुर्धर अपने पति के रूप में चाहती है और अंग भट्ट ब्राह्मण श्रीपाल कुंवर से कहते हैं कि मुझे लगता है तुम अवश्य उसको धनुर्विद्या में प्रसन्न करोगे, इसीलिए तुमको वहां पर जाना चाहिए। अब श्रीपाल कुंवर के मन में भी वहां जाने की इच्छा होती है और पहुंच जाते हैं वे कोलापुर नगर में। वहां पर राजा ने धनुर्विद्या की परीक्षा लेने के लिए एक मंडप की रचना की। उस मंडप के बीचों बीच में एक स्तंभ के ऊपर एक पुतली को बांधा है जिसके दोनों तरफ चार चार चक्र घूम रहे हैं। चार चक्र बाईं ओर और चार चक्र दाईं ओर से लगातार वह पुतली घूमती जा रही है, घूमती जा रही है। और ठीक उस पुतली के नीचे तेल से भरी हुई कढ़ाई है। अब उस तेल से भरी हुई कढ़ाई के अंदर देख कर के जो भी व्यक्ति उस पुतली की आंख में तीर मारेगा उसे वह कन्या अपने पति के रूप में चयन करेगी। यह धनुर्विद्या की सबसे कठिन परीक्षा होती है जिसे राधा वेद कहा जाता है। कौन व्यक्ति धनुर्विद्या में इतना कुशल होगा कि वह राधा वेद कर पाएगा, यानी कि घूमती हुई पुतली के उस प्रतिबिंब को तेल के अंदर देख करके ठीक उसकी आंख के अंदर निशाना लगाना। श्रीपाल कुंवर पहुंच गए वहां पर और उन्होंने नौपद का ध्यान करके जब उस तेल से भरी हुई कढ़ाई में देखा तो पुतली की आंख के ऊपर तीर मारा जो सीधा जाकर के लक्ष्य को संधान कर पाया। और तब वह कन्या अत्यंत प्रसन्न हुई क्योंकि अब उसे अपने ही जैसा कुशल धनुर्विद्या का जानकार पुरुष मिल गया था। उसके पिता ने बड़े हर्षोल्लास के साथ में श्रीपाल कुंवर के साथ में अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। इस तरह हमने सुना कि श्रीपाल कुंवर हर जगह पर जहाँ पर भी जाते हैं उनके पुण्यों के प्रभाव से राजकन्या स्वतः ही उनका वरण कर लेती है। हर राजकन्या अपनी अपनी समान व्यक्ति चाहती है और श्रीपाल कुंवर हर राजकन्या की कसौटी पर खरे उतरते हैं। श्रीपाल कुंवर ऐसे खरे सोने हैं जो सर्वत्र प्रसिद्धि को पाते हैं। अब श्रीपाल कुंवर की रिद्धि सिद्धि बढ़ती ही जा रही है। अब फिर से क्या श्रीपाल कुंवर किसी और दूसरी नगर के बारे में फिर से कोई नई बात सुनते हैं और वहां पर भी जाकर के राजकन्या के साथ में विवाह करते हैं, इसका वर्णन तो हम समय आने पर सुनेंगे। आज इतना ही। जय हो।